अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदेद कहता हूँ। पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस रोज़ बरोज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है। तो जहाँ ऑनलाइन बिजनेस की बात होती है, वहाँ सबसे पहला जो मसला सामने आता है वो आता है डिलीवरी। सामान कस्टमर तक किस तरह से पहुँचाया जाए, जो भी पार्सल हम मंगवाएं या हम कहीं पर भेजें तो वो कौन से सर्विस यूज़ की जाए जो हमें टाइम पे भी हमारा सामान पहुँचाए, रेट्स भी मुनासिब ले। तो तीन कंपनीज़ पाकिस्तान में इस वक्त बड़े नाम हैं, वैसे तो बहुत सारी कंपनीज़ काम कर रही हैं, उनसे मैंने कुछ पार्सल्स मंगवाए हैं। तो देखते हैं हम तीन डिफरेंट कंपनीज़ के थ्रू पार्सल्स आए, देखेंगे हम ये कि रेट किसका मुनासिब है, टाइम से कौन डिलीवरी दे रहा है और ज़्यादा फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी बातें हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो हमने सामान मंगवाए तीन डिफरेंट कंपनी से, एक कंपनी ने हमें पार्सल भेजा है TCS से, एक कंपनी ने हमें पार्सल भेजा है लेपर्ड कोरियर सर्विस से और तीसरी कंपनी ने हमें पार्सल भेजा है पाकिस्तान पोस्ट से, जो कि गवर्नमेंट का अदारा है। तो डिफरेंट डेट्स और डिफरेंट टाइम लेके ये पार्सल्स हमारे पास पहुँचे हैं। दो पार्सल्स मैंने खोल लिए हैं, एक अभी मैंने खोलना है, बकाया है। और ये क्या है मैं बाद में बताता हूँ, पहले हम जिस मेन टॉपिक को लेके आज की वीडियो बना रहे हैं उस पे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले ये पार्सल है, ये है मंगाया जिससे बियर ड्राल से मैंने मंगवाया है, उसको छोड़े, ये हमें आया है TCS से, TCS से हमें आया है। और ये हम बात नहीं करेंगे कि मैंने कब ऑर्डर किया था, बल्कि हम ये बात करेंगे कि TCS पे ये बुक किस दिन हुआ है, क्योंकि कंपनी को मैंने जिस दिन भी ऑर्डर किया हो, अब वो जिस दिन TCS के पास जाएगी या लेपर्ड के पास जाएगी या पाकिस्तान पोस्ट के पास जाएगी, हम उन डेट्स को देखेंगे, क्योंकि हम कोरियर कंपनीज़ का मुआवजा कर रहे हैं, ना के ऑनलाइन सेलर्स का। TCS कोरियर कंपनी जो है, इससे हमें पार्सल मैंने जो उधर से निकला है वो निकला है 22 नवंबर को। यहाँ पे आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये टॉप पे डेट लिखी हुई है, 22 नवंबर को उधर से डिस्पैच हुआ है और ये पार्सल हमें मिला है आज, मतलब के 27 नवंबर को। ये लाहौर से पार्सल आया है साहिवाल और साहिवाल के साथ हड़प्पा के लिए। तो ऑलमोस्ट 5 दिन TCS वालों ने लिए हैं, रेट्स की बाद में बात करते हैं। 5 दिन TCS वालों ने लिए हैं हमसे लाहौर से यहाँ तक पहुँचाने में। दूसरा हमारा पार्सल काफ़ी बड़ा है और ये फैसलाबाद से आया है, लेपर्ड कोरियर सर्विस। अगर आपको मैं दिखा पाऊँ, ये लेपर्ड कोरियर सर्विस से हमें ये पार्सल आया है और इसकी डेट, ये किस डेट को बुक हुआ है, ये हुआ है 24 नवंबर को। 24 नवंबर को हमारा ये पार्सल जो है ये बुक हुआ है और ये भी हमारे पास पहुंचा है आज 27 नवंबर को। इसने लिए हैं 3 दिन, TCS ने 5 दिन और लेपर्ड ने 3 दिन। फैसलाबाद और लाहौर ऑलमोस्ट यहां से एक जितना ही सफ़र है ऑलमोस्ट तकरीबन। और एट द एंड ये पार्सल भी मैं खोल चुका हूँ, ये हमें मौसूल हुआ है थ्रू पाकिस्तान पोस्ट और ये बुक हुआ है 25/11/19, मतलब कि 25 नवंबर को। डेट आपको नज़र आ जाए तो इस पे लिखी हुई पेंसिल से है तो आपको इतनी क्लियर नज़र नहीं आएगी, मैंने अपना एड्रेस छुपाया हाथ रख के। 25/11/19 को ये बुक हुआ है और ये भी हमारे पास पहुँच गया है आज, मतलब के 27 नवंबर 2019 को, 2 दिनों में। तो सबसे पहले हमने कंपैरिजन कर लिया टाइम का, लेकिन अब हमने रेट्स भी देखने हैं कि रेट्स में भी आया कोई डिफरेंस है या नहीं। टाइम की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे जो इस कंपैरिजन में रहे हैं वो रहे हैं पाकिस्तान पोस्ट, जो कि गवर्नमेंट का अदारा है और हम लोग इसे ऐसे ही फालतू समझते हैं, लेकिन मेरा पाकिस्तान पोस्ट के साथ बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान पोस्ट जिंदाबाद, टाइम पे डिलीवरी पहुंचा देता है। शाज़ो नाज़र तो फिर हर कंपनी में ही हो जाता है कि कभी ना कभी लेट स्पेयर हो जाना, लेकिन पाकिस्तान पोस्ट से मैंने ज़्यादातर जब भी करवाया है टाइम से पार्सल डिलीवर हुआ है। और जहाँ भी किसी गांव में, एक इसका एक और नेक्स्ट कंपैरिजन भी कर लेते हैं, मैं रहता हूँ साथ है गांव में। अब गांव में है कि क्या,
पाकिस्तान पोस्ट वाले मेरे दरवाजे पे आके दे के गए हैं पार्सल। टीसीएस वालों ने मुझे मेरे गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे एक स्टॉप है वहाँ पे बुलाया। जबकि लेपर्ड की बात करें तो ये मेरे घर से कुछ 6 या 7 किलोमीटर फासले पे एक पॉइंट है, वो भी उनका ऑफिस नहीं है। वैसे वहाँ पर आके उसने मुझे कॉल किया, यहाँ से आके ले जाएँ, मैं आगे नहीं आ सकता। तो ये दूसरा कंपेरिजन, और इसमें भी जीत गया पाकिस्तान पोस्ट। नेक्स्ट बात करेंगे, और ये कोई पाकिस्तान पोस्ट ने मुझे पैसा नहीं दिया कि आप हमारी प्रमोशन कर दें, ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डिलीवरी के लिए हम कौन सी सर्विस यूज़ करें। तो मैंने तीनों का सामान तो मंगवाना ही था, और ये भी बेहतर हुआ कि तीन अलग अलग कंपनी से आ गया और तीनों का कंपेरिजन भी एक साथ हो गया। रेट्स की बात करें तो जो TCS रेट ले रहा है विद इन सिटी, आधा किलो का 30 रुपये और 1 किलो के 40 रुपये नॉर्मल डिलीवरी है। ये कोई फास्ट डिलीवरी नहीं होगी कि जिस दिन करवाएंगे उसी दिन पहुंचेगा, नहीं, ये नॉर्मल है, दूसरे तीसरे दिन ये आपका सामान पहुंचेगा। इस तरह से मुझे 5वें दिन मिला है, 1 किलो के 40, आधा किलो के 30, और ये आम पैकेट्स जिस तरह से ये है, और इस पर मुझे 68 रुपये चार्जेस पड़े हैं जो कि मैंने मंगवाया है। 68 रुपये डिलीवरी चार्जेस मुझे पड़े हैं। अब जो कंपनी का जो मैंने रेट लिस्ट देखी है उसमें 68 कहीं जिक्र नहीं है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या चक्कर है, क्योंकि मैंने जो कंपनी से रेट लिस्ट वेबसाइट से निकाली है उसमें 68 का कोई जिक्र नहीं, और मैं वही रेट आपको बता रहा हूँ जो मैंने वेबसाइट से देखा है। TCS विद इन सिटी हमने बात कर ली, अदर सिटीज़ की बात करें तो आधा किलो 87 रुपीज़ में 87 रुपये, जबकि 1 किलो जो है वो 99 रुपीज़, वेबसाइट पर जो मुझे रेट मिला है 99 रुपीज़ 1 किलो का अदर सिटीज़ का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लेपर्ड की। लेपर्ड का विद इन सिटी जो रेट है आधा किलो 165 रुपये, जबकि किलो 195 रुपये। जबकि हम अदर सिटीज़ की बात करें तो आधा किलो 195 रुपये, जबकि किलो 235 रुपये। लेकिन मुझे ये पार्सल इसकी डिलीवरी मुझे बिल्कुल फ्री पड़ी है। ये क्यों पड़ी है ये बाद में बताऊंगा मैं किसी और वीडियो में। जबकि हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान पोस्ट की, तो इनका पहले किलो का रेट है 100 रुपये, बेशक विद इन सिटी भेजें, बेशक अदर सिटीज़ में भेजें, बेशक आप पूरे पाकिस्तान के जिस शहर में भी भेजें, रेट इनका पहले किलो का 100 रुपये होगा। जबकि लेपर्ड और TCS के रेट्स भी अदर सिटीज़ में जाके मज़ीद बढ़ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान पोस्ट का पहले 1 किलो का रेट 100 रुपये है, और उससे आगे पहले एक से तीन किलो तक का रेट जो है, या 0 से 3 किलो तक का रेट, वो 175 रुपये है। तो इस हिसाब से भी मैं समझूंगा कि पाकिस्तान पोस्ट ही नंबर ले जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल कि हमें कौन सा अफोर्डेबल पड़ रहा है, कौन सा बेहतर है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे पाकिस्तान पोस्ट की नस्बत दूसरी दो कंपनीज जो हैं वो एक तरह से बाजी ले जाती हैं। पाकिस्तान पोस्ट आपको पैकिंग मटेरियल जो है बड़े पार्सल्स के लिए अवेल नहीं करता। छोटे मोटे जो लिफाफे हैं वो तो मिल जाते हैं वहाँ से, लेकिन बड़े पार्सल जिस तरह से ये पार्सल है इनके लिए पाकिस्तान पोस्ट आपको पैकिंग मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेगा। पैकिंग मटेरियल आपको जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये उन्होंने मुझे अपने एक बस लिफाफे से मैं पैक करके भेज दिया है, और इन्होंने भी भेजा तो कंपनी ने अपने पैक में है, और इस कंपनी ने भी अपने पैक में, मतलब कि ड्राज ने अपने पैक में भेजा है। तो इसका मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास अपना मटेरियल है तो आपको पाकिस्तान पोस्ट का भी वही काम पड़ेगा, लेपर्ड का भी और TCS का भी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको पैकिंग भी कंपनी से चाहिए, आपके पास नहीं है, तो फिर आप दूसरी कंपनीज को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उनके रेट्स भी मेरे कंपैरिजन के मुताबिक हाई रहे हैं, और उनके टाइम जो है डिलीवरी का वो भी मेरे मुताबिक काफ़ी लेट रहा है। सबसे लेट मुझे मिला है TCS, जो कि सबसे बड़ा नाम है, उसके बाद लेपर्ड जो उससे छोटा नाम है, और सबसे कम टाइम में मिला मुझे पाकिस्तान पोस्ट से, जिसको हम बिल्कुल ही फारिग तरीन समझते हैं, लेकिन उन्होंने साबित किया है कि वो नहीं है। ये जो पार्सल है, ये बाकी ये और ये दोनों मैं खोल चुका हूँ, लेकिन ये पार्सल जो है ये मैंने अभी नहीं खोला। इसमें कुछ मैंने कंपनी से कपड़े मंगवाए हैं, जो कि ये क्लेम करते हैं कि उनके पास ये ब्रांड्स का लेफ्ट ओवर होता है और बिल्कुल फ्रेश होते हैं, और रेट्स जो है उनमें ब्रांड से अगर आप जाके ख़रीदेंगे और अगर इनसे ख़रीदेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुछ 1500-1700 रुपये की मैंने शॉपिंग की है, 3-4 चीज़ें उन्होंने भेज दी हैं इसमें।
अब हम इसको खोलेंगे, इसका रिव्यू करेंगे, लेकिन वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा अगर आप ऑनलाइन खरीदारी करना चाहते हैं, सर्दियों के कपड़े कुपड़े लेने हैं आपने अगर, और आप चाहते हैं कि सस्ते में काम बन जाए, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये वाकया ही कोई ब्रांड ही भेजा है उन्होंने, या ऐसे ही फालतू सी कोई चीज़ भेज दी है। अभी तक मैंने नहीं खोला, इसको खोलेंगे तभी हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि असल हकीकत है क्या। मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह हाफिज़।